Hey guys, good morning. और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:05। ये मेरा दूसरा और क्रेटा का पहला लॉन्गेस्ट ट्रिप है। तो आज अपना ट्रिप होने वाला है दिल्ली टू बैंगलोर, और दिल्ली टू बैंगलोर बाय रोड तकरीबन पड़ता है 2100 किलोमीटर। लोग बड़ी तारीफ करते हैं क्रेटा की कि क्रेटा हाईवे पे बहुत अच्छी चलती है। तो आज क्रेटा का टेस्ट होने वाला है, तो देखते हैं क्रेटा आज कैसा परफॉर्म करती है। अपनी 2100 किलोमीटर की जर्नी के साथ में आज हम लोग क्रॉस करने वाले 7 स्टेट, स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना एंड देन कर्नाटका। कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड फॉर मोर ट्रैवलिंग अपडेट्स, रूट की डिटेल, होटल की डिटेल्स, और आज शाम तक मैं कहाँ तक पहुँच पाता हूँ, क्योंकि अभी मैंने ये होटल बुक नहीं किया है कहीं रास्ते में। तो प्लानिंग ये है कि आज शाम तक देखते हैं हम लोग कहाँ तक पहुँच पाते हैं, और जहाँ भी शाम हो जाएगी आज हम लोग वहीं पे स्टे करेंगे, चाहे वो एमपी हो चाहे फिर वो महाराष्ट्र हो। तो चलते देखते आज हम लोग कहाँ तक पहुँच पाते हैं और कैसा रहता है अपना ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस अपनी नई गाड़ी के साथ। सुबह सुबह का टाइम है और अभी भी अंधेरा है, डार्कनेस है। अभी भी पहुँच चुका हूँ अपनी पार्किंग में। तो ये मेट्रो की पार्किंग है, यहाँ ये अपनी क्रेटा, और क्रेटा का होने वाला है आज टेस्ट, और देखते कैसा परफॉर्म करती है आज। तो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्रेटा का पहला ट्रिप है और अभी ये सिर्फ चली है 13 किलोमीटर्स। तो देखते हैं शाम तक ये जो मीटर है कहाँ तक पहुँचा पाते हैं हम लोग। तो अब टाइम है दिल्ली को बाय बाय कहने का, और गूगल बाबा जी हमें लेके जाएंगे आगरा एक्सप्रेस हाईवे से यमुना का एरिया। वेलकम टू नोएडा, आगरा, गाजियाबाद, दादरी। तो हम लोगों को यही रूट लेना है। वेलकम टू एक्सप्रेस वे। तो अभी तक तो क्रेटा के साथ में जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो अच्छा है। अभी तो हालांकि स्टार्ट ही अपने ट्रिप की, क्योंकि अभी हमें बहुत दूर जाना है। और इसी हाईवे पे सुपर टेक का एक बड़ा, दो बड़े से टावर थे जो कि कुछ दिन पहले गिराए गए। ये जो हाईवे है इस पे भी अच्छी खासी सोसाइटीज़ और मार्केट्स वगैरह बन गई है। आज से 5-10 साल पहले यहाँ पे इतनी डेंस नहीं थी। यमुना एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा लेफ्ट, टोल स्टार्ट हो जाएंगे। तो एंट्री हो चुकी है अपनी ताज एक्सप्रेस वे पे। तो ये अपना स्टार्ट हो चुका है ताज एक्सप्रेस वे, 4x4 टोटल 8 लेन, बोथ दी साइड्स, जेपी ग्रीन स्पोर्ट्स सिटी एयरपोर्ट, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट, पब्लिक कन्वेंट, जेवर, मथुरा, आगरा। अपने रास्ते में पहला टोल, और देखते हैं रास्ते में कितने सारे टोल पड़ते हैं और कितना डिडक्शन होने वाला है। तो ये फर्स्ट है एक्सप्रेस हाईवे पे। फर्स्ट टोल के बाद ही आता है पहला रेस्टोरेंट, और यहीं पे करके रुकते हैं और करते हैं यहीं पे ब्रेकफास्ट। पहला ब्रेक 79 किलोमीटर्स, और अभी एवरेज दे रही है 18.3 का। ब्रेकफास्ट अपना हो रहा है सैंडविच और चाय के साथ में। तो ये था अपना पहला ब्रेक रास्ते में, जो कि एक्सप्रेस हाईवे पे पहले ही टोल के बाद में पड़ता है। गाड़ी लगा दी पार्किंग में और अब चलते हैं। तो ब्रेकफास्ट अपना हो चुका है एक्सप्रेस हाईवे पे, रेस्टोरेंट जो है फर्स्ट टोल के बाद में, और यहाँ से गूगल मैप में दिखा रहा है ये 2088 किलोमीटर्स अपना जो हाउस है बेंगलोर में। यहाँ भी रेस्टोरेंट और रिफ्रेशमेंट के रेस्टोरेंट है। तो ये हर टोल प्लाजा पे बना रखा है इन लोगों ने, अच्छा है। तो आज अपनी दिल्ली से बेंगलोर की जर्नी का ये स्टेट नंबर 2 चल रहा है। हालांकि दिल्ली तो यूटी है, इसके बाद फिर आएगा राजस्थान। वेलकम टू आगरा, आगरा विकास प्राधिकरण, लखनऊ के लिए एक्सप्रेस वे। तो अगर हम लोग लेंगे यहाँ से लेफ्ट, हम लोग सीधे चले जाएंगे लखनऊ।
लेकिन अभी तो हमें जाना है बेंगलोर, तो सीधे चलते रहते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग लेंगे लेफ्ट, सीधे पहुँच जाएंगे आगरा, बट हमें जाना है स्टेट MP। तो NH-44 लेते, इस पर कंटिन्यू रहते। टाइम हो चुका है 9:38 और अभी मैं रुका हूँ आगरा में। तो इधर आगरा सिटी है और ये NH-44 है जो कि सीधा लेके जाएगा MP से बेंगलोर। तो एक रुका हूँ मैं शॉर्ट ब्रेक के लिए आगरा में, थोड़ी स्ट्रेच आउट करने के लिए कमर को। ये था आगरा का आउटर और यहीं से ले लेते हैं पेठा, जो फेमस होता है आगरा का। बाकी दुकान से पैक करा लिया पेठा और चलते हैं। नेशनल हाईवे बाकी बहुत अच्छा है, बिंदास है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, कहीं पे कोई खड्डा नहीं है कोई। NH-44 पे पहला टोल, राजस्थान पहुंचते ही हो गई बारिश स्टार्ट। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे बारिश और तेज हो रही है। तो ये देखिए आपके सामने भरतपुर, राजस्थान। तो अभी राजस्थान हम लोग क्रॉस करने वाले हैं और ये आज के अपने जर्नी का पॉइंट नंबर स्टेट, आज के अपने जर्नी का स्टेट नंबर 3 है। तो ये मार्केट है भरतपुर की, राजस्थान की, और इसके बाद आएगा फिर MP। लास्ट मोमेंट पे बारिश ने धोखा दे दिया, अगर बारिश ना होती तो स्पीड और अच्छी खासी होती, बट बारिश के होने से वो 40 की 45 की पे चलानी पड़ रही है। और ये आ चुका अपने सामने बीहड़ का एरिया, बीहड़ जहाँ पे पहले डाकू रहते थे, अपनी लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया था। ये है चंबल बीहड़ की मार्केट। तो गौर से देखिए इस लोकेशन को, ये वही लोकेशन है जिसे कहते हैं बीहड़, और यहीं पे पहले डाकू बाकी वो सब रहते थे। तो अपने पीछे पूरा बीहड़ का एरिया है ये, और ये बीहड़ की मार्केट है यहाँ पे, जहाँ पे मिठाई मिलती है, पूरा बीहड़ है ये। छोटी छोटी पहाड़ियाँ है रेत की और बारिश भी हो रही है हल्की हल्की चारों साइड में। यहीं पे गाड़ी लगा दी और अब लेते हैं स्वीट। उस साइड भी पूरा बीहड़ का एरिया है ये, जहाँ पे डाकू रहते थे पहले, चंबल की बीहड़। और सामने ही मार्केट, मार्केट है यहाँ पे, और यहाँ पे ये स्वीट मिलती है, मिल्क केक, पेड़ी, खोया है कुछ। मिठाई लेने के लिए काफ़ी लोगों की भीड़ लगी रहती है यहाँ पे दुकानों पे। प्रदीप, ये कितना केजी है? 200 रुपये केजी। अच्छा अच्छा, 1 किलो ये पैक कर देना मिल्क केक। अच्छा, बन के आता है ये, दूध का बनाते हो ना? तो ये 2 केजी का होता है, 1 केजी कट करके दे रहे हैं। हाँ, 50 किलो। अच्छा, MP RTO और झांसी 156। तो आज की अपनी जर्नी का दिल्ली टू बेंगलोर का ये है स्टेट नंबर 4 जो कि है मध्य प्रदेश। अभी तक अपना ड्राइव कंप्लीट हो चुका है 359 किलोमीटर्स, और अभी टाइम हो चुका है 12:54। एक सामने दिख रहा है ढाबा जसन ए पंजाब के नाम से, और ये पड़ता है ग्वालियर बाईपास पे। तो इधर ये रोड जा रहा है, ग्वालियर बाईपास ही है ये। तो यहाँ पे करते हैं लंच, और लंच के बाद फिर स्टार्ट करते हैं आगे के लिए, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम बचा है और हम लोग आराम से MP क्रॉस कर लेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी अभी, तो क्योंकि 5-6 घंटे है अभी, तो सनलाइट रहेगी दिन में आराम से। रोटी दाल मखानी आ चुकी है अपनी, तो अभी करते हैं लंच। और अंदर से होटल ये ठीक ठाक है, अच्छा है, नीट एंड क्लीन है, हाइजीन है। ये नेशनल हाईवे हो गया 44, उधर हो गया ग्वालियर, तो ये ग्वालियर बाईपास है, और यहीं पर गाड़ी लगा दी पार्किंग में, और यहीं पर होटल है, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल मेन हाईवे पर मिल जाता है। आराम से गाड़ी पार्क करो और लंच वंच करो, फिर स्टार्ट कर सकते हैं आराम से। रास्ते में ये छुट्टा पशु बहुत है, तो बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग। अभी मैं रुका हूँ शॉर्ट ब्रेक के लिए MP में, MP के खेतों की फ्रेश एयर लेते हुए। तो यहाँ भी यूपी की तरह पूरी धान की खेती होती है, राइस हार्वेस्टिंग की मशीन है ये। दिन के टाइम भी इस रास्ते पे NH-44 पे अच्छी खासी लॉरी चलती है, ट्रक्स, और रास्ते में छोटे छोटे गांव हैं, तो इससे भी थोड़ी स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। हाल फिलहाल में हम लोग पहुंच गए झांसी सिटी। वैसे अगर कोई लेट स्टार्ट करता है दिल्ली से तो झांसी भी होल्ड किया जा सकता है, ये भी अच्छा सिटी है, यहाँ पर होटल वगैरह ठीक ठाक मिल जाते हैं। रेलवे स्टेशन का
मेनी ट्रैक्टर्स एमपी में, और अब टाइम है रिफिल कराने का। पेट्रोल 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 97.28 एमपी में। हाँ दिखा जीरो, ठीक है। तो अभी तक 9000 का पेट्रोल जा चुका है इसमें, बाकी आगे देखते हैं कितना लगता है। रोड के बीच में बिल्कुल भयंकर वाला एक्सीडेंट हुआ है, तीसरा एक्सीडेंट है जो मैं लाइव देख रहा हूँ। ये लगी है कार, बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग। ये थर्ड एक्सीडेंट है जो मैं लाइव देख रहा हूँ आते हुए आज के ट्रिप का। तो यहाँ भी स्विफ्ट के सामने छोटा पशु आ गया और उससे एक्सीडेंट हो गया। यहाँ पे बेतना रिवर मध्य प्रदेश, फोर्थ लाइव एक्सीडेंट। फिर बारिश आ गई अच्छे वाली, मौसम तो मस्त हो रहा है, बाइक का मौसम हो रहा है चलाने वाला। वाओ, और फास्ट। ओ, 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 ओ। अभी कितना भयंकर है, गाय वाय कितनी सामने आ जाती है और ये रुकती भी नहीं। ओ माय गॉड, ये गाय तो रुकती भी नहीं, चलती रहती है। अभी कितना मुश्किल से बचाऊं मैं उससे, वो चलती जा रही है, चलती जा रही है। अपने आप को भी बचाना पड़ता है क्योंकि वो तो एनिमल है, उसे तो कुछ पता नहीं। लेकिन बहुत ही कॉशियस रहने की ज़रूरत है वाइल ड्राइविंग ऑन दिस रोड, बहुत ही एनिमल है इस पर ये छोटा पशु। और भी आगे और बिल्कुल रोड पे घूमते रहते हैं ये। एक पीछे दो एक्सीडेंट तो मैंने देख लिए पीछे, ये देखो छोटा पशु बहुत है इस रोड पे, जब से मैं देख रहा हूँ। और कोई रोड के बीच में बैठा है, कोई रोड के बीच में खड़ा है, कोई लेटा है, इन्हें कोई टेंशन नहीं है। ये देखो कितने सारे हैं यहाँ पे, तो बहुत ही केयरफुल रह कर ड्राइव करने की ज़रूरत है यहाँ पे, नहीं तो एक दो एक्सीडेंट तो मैंने ही देख लिए इनकी वजह से रास्ते में ही। तो बहुत ही कॉशियस रहने की ज़रूरत है वाइल ड्राइविंग। सारे कहीं रोड पे हैं ये, तो नाइट में अगर कोई गाड़ी के सामने आ गया और भी दिक्कत हो जाएगी। फिर इनके जो ऑनर हैं या तो पैसे लेंगे कन्फर्म पैसे लेंगे वो। तो आपको क्या लगता है, ऐसे जो रोड पे ये छोटा पशु छोड़ रखे, जिसने भी छोड़ रखे, तो क्या ये सही है या फिर इनका कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए ताकि जो ट्रैवलर्स हैं उन्हें प्रॉब्लम ना हो। आज के टूर पे छोटा पशु होने ऐसी तैसी कर दी, क्योंकि दो बार मेरी गाड़ी के सामने आए वो, और दोनों बार मैंने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया है। तो अगर कोई NH44 पे ड्राइव करता है, बहुत ही केयरफुल होकर ड्राइव करने की ज़रूरत है, स्पेशली नाइट में, क्योंकि नाइट में विजिबिलिटी भी कम हो जाती है और एक्सीडेंट के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। देखो अभी रोड पे मेरे सामने बिल्कुल, उधर भी एक वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा है। इनकी वजह से स्पीड काफ़ी स्लो डाउन हो जाती है, और बहुत ही कॉशियस एंड प्रिकॉशंस लेके चलाने की ज़रूरत है, गाड़ी को ड्राइव करने की ज़रूरत है इस रोड। ये देखो एक यहाँ भी एक्सीडेंट हुआ, इधर एक और एक्सीडेंट। कितने सारे एक्सीडेंट हो रखे हैं इस रोड पे आज के ट्रिप पे, कम से कम 5-6 एक्सीडेंट देख लिए होंगे मैंने रास्ते में। तो रोड से तो आना वाकई बहुत ही डेंजरस है, मतलब डरा नहीं रहा हूँ लेकिन रियलिटी है ये, क्योंकि इतने सारे एक्सीडेंट देख लिए मैंने पीछे। बंदा तो सोच के आता है कि चलो ठीक है, लॉन्ग राइड पर निकल जाएंगे, थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो अच्छे खासे एक्सीडेंट हो रखे हैं इसमें। तो बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग ऑन दिस रोड। अभी मैं ड्राइव कर चुका हूँ 583 किलोमीटर्स, और फिर से बहुत तेज़ी से बारिश आ गई, बहुत तेज़ आ रही है, और विजिबिलिटी का भी इशू है, ऊपर से छोटा पशु भी बहुत है, और शाम के अभी 5 बज चुके हैं। तो प्लानिंग ये है कि सागर में ही होल्ड करते हैं, होल्ड करना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है और दिन छिपने के बाद में विजिबिलिटी और कम हो जाएगी अगर इतनी ही बारिश रही। तो अभी होल्ड करते हैं सागर में, और फिर कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी, कल मॉर्निंग से स्टार्ट फिर दोबारा से करते हैं बेंगलोर के लिए। मेन हाईवे से NH44 से जो सागर सिटी है वो 11 किलोमीटर अंदर है, और रोड कुछ ऐसा है, इतना अच्छा नहीं है, बस ठीक ठाक है।
सीधा सिचुएशन ऑफ छुट्टा पशु, ट्रैफिक की ऐसी की तैसी कर रखी है इन्होंने। ये पहुंच गए हम लोग सागर। तो फर्स्ट डे हम लोग कवर कर पाए 655 किलोमीटर्स, 6:34 PM। होटल सागर इन, ये सबके बेस्ट होटल में आता है यहाँ के सागर के, और इसमें ले लिया है रूम 1600 रुपये का। तो चल के अभी दिखाता हूँ ऊपर। होटल अंदर से कुछ ऐसा है, होटल सागर इन का जो रूम है 1600 रुपये वाला, वो कुछ ऐसा है। है तो उसमें सब चीज़ें, टीवी वगैरह सब कुछ है। न्यूली बिल्ड प्रॉपर्टी है तो इसलिए सब चीज़ें साफ सोनी है, कुछ ऐसा नहीं है कि अनहाइजीन सा लगे। तो आज की जो वीडियो है करते हैं पे स्टॉप। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना गुड डे। तो आ चुका है अपना डिनर, डिनर करते हैं और फिर रेस्ट करते हैं।